हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है। और मेरा नाम कविता है। तो फ्रेंड्स, आप सबका इंडियन रिएक्शन में स्वागत है। और आज का जो हम वीडियो लेके आए और जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का टाइटल है पानी में जाने से पहले। वीडियो ज़रूर देखिए वरना पछताएंगे। तो ऐसा पानी में है क्या, वो तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। पर अगर वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें। और ये वीडियो हिंदी काउंटडाउन चैनल का है, इनके वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले वीडियो देख लेते फ्रेंड्स, बातें उसके बाद में कर लेंगे। तो लेट स्टार्ट। भले ही आज इंसान मंगल पे जाने की कुव्वत रखता हो, आवाज़, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी हम अपने ग्रह पर ही मौजूद समुद्र को नहीं खंगाल पाए हैं। नेशनल ओशियन सर्विस के अनुसार इंसान केवल 5% समुद्र को एक्सप्लोर कर पाया है। ऐसे में इंसानों के कैमरे में कभी कभी कुछ ऐसा कैद हो जाता है जो आज भी हमें हैरान करने के लिए काफी है। आज इस वीडियो में हम आपको पानी में या पानी के पास इंसानों के जानवरों के साथ हुए ऐसे एनकाउंटर्स के बारे में बताएंगे जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। एनाकोंडा को आपने बहुत सी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा। उन्हें कभी साउथ अमेरिका की नदियों में तो कभी जंगल में और यहाँ तक कि सड़क पार करते हुए भी कई वीडियोज में जरूर देखा होगा। लेकिन जुलाई 2019 में अंडर वाटर वीडियोग्राफर बार्टोलोमियो बोव और उनके दोस्त जूका का सामना ब्राजील की फॉर्मोसो नदी के पानी के तल में दुबके हुए एक विशाल 21 फुट लंबे ग्रीन एनाकोंडा से हो गया। आपको बता दें, ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि साउथ अमेरिका की जिन भी नदियों में एनाकोंडा पाए जाते हैं वो साफ नहीं है, लेकिन बोनीतो क्षेत्र के पास मौजूद फॉर्मोसो नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर है। दोनों ने संयम बनाए रखा और जितना करीब से हो सकता था उसे फिल्माया और एनाकोंडा भी काफी शांत दिखाई दिया। धरती पर मौजूद सांपों की प्रजाति में ग्रीन एनाकोंडा सबसे विशाल प्रजाति है। इसलिए अगर एनाकोंडा पानी के अंदर इन पर पकड़ बना लेता तो इनकी मौत निश्चित थी। ऐसी ही एक वीडियो 2014 में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई जिसमें कुछ लोग सिर्फ मजे के लिए बड़े से एनाकोंडा की पूंछ पकड़कर खींचने का प्रयास कर रहे थे। ये घटना ब्राजील की सांता मारिया नदी में घटी थी। हमने आपको अपनी ड्रोन वाली वीडियो में दिखाया था कि कई बार हम अनजान रहते हैं और खतरा हमारे अगल बगल मंडराता रहता है। ऊपर से वीडियो शूट करने पर तो ये शार्क आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन पानी में ये जिसके आसपास होती हैं उनके लिए इन्हें देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। पीछे देखो, पीछे। पीछे तो देखो। ऐसे एक दिल दहला देने वाला वाकया बेथनी मैकडेनियल के साथ 2015 में घटा, जब वो अपने पति और 16 महीने की बच्ची एलिजाबेथ के साथ साउथ कैरोलिना के आइल ऑफ पाम्स में लहरों में मजे ले रहे थे। बेथनी बच्चे के साथ पानी में थी और उनके पति कैमरे से फिल्मा रहे थे। तभी कैमरे में उसे एक बेबी शार्क दिखाई देती है और वो तुरंत बेथनी को पानी से बाहर आने को कहता है, जिसके बाद बेथनी अपनी बच्ची को लेकर तुरंत वहां से भागती है। एक छोटी शार्क भी इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। 22 जून 2020 को साउथ कैरोलिना के मार्टल बीच पर मौजूद लोग तब दहल गए जब उन्होंने एक विशाल पक्षी को, शार्क को दबोचे उड़ान भरते हुए देखा। ये पूरा वाकया वहां छुट्टी बिताने आए एशले व्हाइट नाम की महिला ने अपने होटल की 17वीं मंजिल से अपने कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक विशाल पक्षी शार्क को दबोचे उड़ रहा है और शार्क उसकी पकड़ में छटपटा रही है। वीडियो ट्विटर पर शेयर करते ही ये बहस छिड़ गई कि ये किस प्रकार का पक्षी है और जिसे ले जा रहा है वो शार्क है या नहीं। मौसम विज्ञानी एड पियोट्रोविस्की ने व्हाइट के फुटेज को अपनी फेसबुक पेज पर साझा किया। उन्होंने तर्क दिया कि पक्षी एक ऑस्प्रे था जिसने एक बड़ी स्पेनिश मैकरल को पकड़ा था। ऑस्प्रे को सी हॉक, फिश हॉक के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 किलो वजनी होती है और उनके पंख का फैलाव 6 फुट तक हो सकता है। लेकिन दूसरे लोगों ने दावा किया कि वो मछली एक लेडी फिश थी। स्टारफिश एक खूबसूरत समुद्री जीव है। स्टारफिश को तारामीन, सी स्टार मछली आदि नामों से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती है।
परंतु हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्टारफिश की सबसे बड़ी आबादी रहती है। दुनिया में स्टारफिश की 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। मैं भी इन्हें बहुत खूबसूरत मानता था जब तक मैंने इनको पानी से निकलकर बीच पर ऐसे चलते नहीं देखा था। अक्टूबर 2017 में अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में जेब हॉलैक नाम के शख्स ने इस वीडियो को फिल्माया, जिसे इन्होंने YouTube पर डाला और वीडियो वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि स्टारफिश अपने कई सौ टेंटिकल्स की मदद से इंच इंच आगे बढ़ रही है। टेंटिकल्स में हो रही हरकत को देखकर ये स्टारफिश कम और किसी तरह की एलियन क्रिएचर ज्यादा लग रही थी। इसी तरह नौ आर्म वाली इस स्टारफिश को आप बीच पर चलते देख सकते हैं। आपको बता दें, स्टारफिश के पास ब्रेन नहीं होता है और ना ही ब्लड। आप फिल्टर्ड समुद्र के पानी को ही इनका ब्लड मान सकते हैं। स्टारफिश अपनी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के माध्यम से पोषक तत्वों को पंप करने के लिए फिल्टर्ड समुद्र के पानी का इस्तेमाल करती है। 26 जुलाई 2020 को अलास्का के हैलिबर्ट कोव लैगून में जॉन डॉर्नेलस अपनी बोट पर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सी ऑटर, जिसे हम उदबिलाव बोलते हैं, वो डरा और सहमा हुआ सा उनकी बोट पर चढ़ गया। तब जॉन ने देखा कि उसका पीछा ओर्का यानी कि किलर व्हेल कर रही है। थोड़ी देर बोट पर रहने के बाद वो वापस पानी में चला जाता है, लेकिन ओर्का उसी की राह देख रही थी, इसलिए वो बिना समय गंवाए दोबारा बोट पर चढ़ जाता है। ऐसा चूहे बिल्ली का खेल करीब 3-4 बार चलता है और समझदार सी ऑटर किलर व्हेल का निवाला बनने से बच जाता है। दुनिया भर में जगह जगह पानी में रहस्यमय जीवों को देखने का दावा किया जाता रहा है, चाहे लोच नेस मॉन्स्टर हो या क्रैकन या हाइड्रा। लोच नेस की पहेली से तो हम अपनी पिछली वीडियो में पर्दा उठा चुके हैं, लेकिन सितंबर 2019 में चीन की घटना ने सबको चौंका दिया। एशिया की सबसे लंबी यांगची नदी चीन में बहती है। इस नदी में एक रहस्यमय काले रंग का जीव लोगों को यहाँ पर तैरता हुआ दिखाई दिया, जो बहुत लंबा था। वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो कई लोगों ने इसे पानी वाला राक्षस कहा और इस रहस्यमय जीव के जन्म की बातें भी लोगों ने कही। इतना ही नहीं, इस जीव को कुछ लोगों ने पौराणिक राक्षस भी कह दिया। वहीं चीनी विशेषज्ञों ने इसे बर्मीज पाइथन बताया। लेकिन जब इस रहस्यमय जीव को लोगों ने नदी के किनारे पाया तो पता चला कि एक एयर बैग है जिसका रंग काला है। साथ ही लंबाई इस एयर बैग की 65 फीट की थी। ये भी पता चल गया कि एक शिपयार्ड ने इस एयरबैग को नदी में छोड़ा था। इसी तरह 13 जून 2019 को लेक मिशिगन में तूफान के वक्त भी इसी तरह का जीव देखने का दावा किया गया, लेकिन एक यूजर ने बताया कि ये सिल्ट फेंस का टुकड़ा है जो जंग लगने से बचाने के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार अक्टूबर 2016 में अलास्का की चैना नदी में एक 15 फुट सी मॉन्स्टर को अलास्का ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट के दो कर्मचारियों क्रैग और रियान डेलाने ने कैमरे में कैद किया, जिसके ऊपर बर्फ जमी थी। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि इसके टेंटिकल और गल फड़े हैं। अलास्का डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड गेम के विशेषज्ञों ने इस पर कहा कि ये जीव नहीं, सिर्फ कबाड़ है। आपका क्या मानना है जरूर बताएं, ये कौन सा जीव हो सकता है या सिर्फ कोई कचरा है? हमने आपको एनिमल इंटेलिजेंस वाली वीडियो में बताया था कि कैसे उथले पानी में डॉल्फिन मिट्टी कीचड़ का सर्कल बनाती है, जिसे वो धीरे धीरे छोटा करती जाती है और अंदर फंसी मछलियां सर्कल छोटा हो जाने पर डर के मारे उछलने लगती है, लेकिन उनके स्वागत में मुंह बाय खड़ी डॉल्फिन्स के मुंह में गिरती हैं। इसी से कुछ मिलता जुलता साल 2019 में समुद्री जीव विज्ञानी की टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व अलास्का के पानी में हम्प बैक वेल की एक ऐसी रेयर फुटेज कैप्चर की, जिसमें हम्प बैक वेल को सर्कुलर घूमते हुए एयर बबल का जाल बुनते हुए देखा गया, जो उनके शिकार को फंसाने के लिए था। गोलाई में चारों तरफ बबल वॉल बनने से शिकार बाहर नहीं निकल पाता और ना ही वेल की पोजीशन का अंदाजा लगा पाता है और इनका शिकार बन जाता है। इस दृश्य को दो एंगल से फिल्माया गया, एक ओवरहेड फ्लाइंग कैमरे की मदद से और दूसरा सक्शन कप की मदद से वेल की पीठ पर कैमरा लगाकर। इसको देखने बाद साइंटिस्ट को ये समझने में मदद मिली कि आखिर कैसे वो इस लाजवाब काम को अंजाम देती है। आमतौर पर स्क्वेड 30 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है और इंसान उसे खाना बहुत पसंद करते हैं, खासतौर पर जापानी। लेकिन जिस स्क्वेड की हम बात करने वाले हैं, शायद खुद कई इंसानों को आसानी से निगल ले। कोलोसल स्क्वेड एक विशाल गहरे समुद्र में रहने वाला प्राणी है, जो 750 किलोग्राम और 15 मीटर यानी 50 फुट लंबे आकार का हो सकता है।
औसत हाथी लगभग 6.5 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन ये हाथी के आकार से भी दुगने होते हैं। ये स्क्वेड उन नाविकों कहानियों को सच करते मालूम पड़ते हैं, जिसमें विशालकाय राक्षसों की तरह बड़े स्क्वेड अपने टेंटिकल्स से पूरे जहाज को पानी के नीचे खींच लेते हैं। वैसे तो इतनी गहराई में रहते हैं कि शायद कभी सतह पर दिखाई देते हो। हालांकि कोलोसल स्क्वेड कभी कभी ऊपर भी दिखाई देते हैं। न्यूजीलैंड की मछली पकड़ने वाली नाव द्वारा 2007 में पहली बार इस विशालकाय स्क्वेड को रिकॉर्ड किया गया। शुरू में इसकी लंबाई 4.5 मीटर यानी 15 फीट मापी गई और वजन 450 किलोग्राम यानी कि 990 पाउंड था। बाद में स्क्विड को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए न्यूजीलैंड ले जाया गया। बाद में नमूने पर किए गए अध्ययन में पता चला कि इसका वास्तविक वजन 495 किलोग्राम यानी 1091 पाउंड था, लेकिन टेंटिकल्स के सिकुड़ने के कारण पोस्टमार्टम में इसकी कुल लंबाई कम होकर 4.2 मीटर यानी 14 फीट ही रह गई। लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास ऐसे विशेष कैमरे पाए जाते हैं जो उन्हें पानी के नीचे कैप्चर कर सकते हैं। मेक्सिको के तट पर लोग उस समय हैरान हो गए जब उन्हें बेहद लंबी और अजीब सी पतली मछली दिखाई दी। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। हम आपको बता दें कि इसे और फिश के नाम से जाना जाता है। और फिश अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशियन में पाई जाने वाली बेहद दुर्लभ प्रजाति की मछली है। और फिश की औसत लंबाई तो 18 फीट होती है, लेकिन इसकी अधिकतम लंबाई 50 फीट हो सकती है। इनका वजन 272 किलोग्राम हो सकता है। जब ये लहराती हुई तैरती हैं, तो इसके पीठ के पंख किसी फीते की तरह दिखते हैं। इस कारण इसे रिबन फिश भी कहा जाता है। इतनी लंबी मछली होने के बावजूद इसका मुंह बहुत छोटा होता है और ये समुद्र में 3000 फुट तक की गहराई में रहती है, इसलिए इसका सतह के पास दिखाई देना किसी अचंभे से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पानी से बाहर दिखना भूकंप की ओर इशारा करता है, क्योंकि ऐसा जीव है जो भूकंप को पहले से ही भांप लेता है। 2011 में आए फुकुशिमा भूकंप से कुछ समय पहले ही दर्जनों और फिश को समुद्र के किनारे देखा गया था। इस भूकंप में जापान में करीब 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि विज्ञान में किसी भी मछली का प्राकृतिक आपदा से कोई संबंध नहीं पाया गया है। उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। वीडियो बहुत ही मज़ेदार था और सच में समुद्र में जाने से पहले वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि समुद्र में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है समुद्र पे, सिर्फ 5% हुई है। अभी भी 95% रिसर्च बाकी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना गहरा है और समुद्र में क्या क्या हो सकता है। और मैं जो इसमें दिखाए गए कुछ जो क्लिप्स है, मुझे सबसे जो अजीब लगे वो थे एनाकोंडा। लोग हमेशा किसी भी चीज़ को छूने के या फिर उसको क्या बोलते हैं, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुझे जो अजीब लगा, एक इंसान था वो बोट पे बैठा हुआ था और एनाकोंडा की पूछ पकड़ के उसको खींच रहा था। वो एनाकोंडा इतना बड़ा था और वो आदमी छोटी सी बोट पे था। वो अगर पीछे मुड़ जाता तो उसको आसानी से पूरा बोट के साथ निकल सकता था, इतना बड़ा एनाकोंडा था। और जो दूसरा था मुझे जो लगा वो था ओडका वाला। वो जो दूसरा जीव था उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, पर वो मतलब उसकी होशियारी कह सकते कि वो एक बार ऊपर आया, फिर पानी में कूदा और फिर उसने देखा कि अभी भी ओडका वहाँ पे है, तो फिर ज़्यादा ऊपर आ गया, पूरा बोट में आके बैठ गया। और जो तीसरे नंबर पे मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगा वो था जो वेल मछली है। वो मछलियाँ पकड़ने के लिए, छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ऐसे गोल अपने फुहारे से जाल बुनती है। तो मतलब शिकार करने के लिए जानवर भी कितना दिमाग लगाते हैं, इससे होता है। दूसरा हम जो डॉल्फिन जानते हैं, डॉल्फिन तो इंटेलिजेंट होती है, बहुत होशियार होती है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? ये वीडियो तो बहुत ही मतलब अजीब ही है। वीडियो वीडियो अजीब नहीं, घटना है अजीब। हाँ, ये घटना बहुत ही अजीब है। उसमें और फिश है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये वीडियो में। वो दिखने में बहुत मतलब पतली रहती है और इतना लंबी रहती है, 18 फीट। 18 फीट रहती है उसकी ये लंबी लंबाई। वो तो अजीब ही है। और वो कैसे दिखने में कितना पतली पतली दिखती है और लंबी दिखती है, दीपिका पादुकोण के तरह। वो भी अजीब ही है। बाद में जब मतलब कुछ घटना घटती है तब उनको मतलब पहले पता होता है, पहले किनारे पे भूकंप होता है, भूकंप होने से पहले किनारे पे आ गई थी, किनारे पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो।
आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय।